हमारा एक ऑटोमेटिक स्विच है, ठीक है भाई। ऑटोमेटिक स्विच कैसे है, अभी इस टाइम पर अगर आप सप्लाई यहाँ पे दोगे तो यहाँ नहीं मिलने वाली, किसी भी आलू में नहीं मिल सकती आपको, ठीक है। यानी कि इधर अगर आप सप्लाई देते हो तो इधर नहीं मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, इस स्विच को कंट्रोल करते हैं किसके द्वारा, NVC के द्वारा। उससे क्या होता है, हमने क्या कर रखा है, ये प्लंजर है हमारा भाई, इसके ऊपर हमने छोटी छोटी पत्तियाँ ले रखी है, ठीक है। इसको हम ऑपरेट कराएंगे तो क्या होगा, ये प्लंजर जितनी भी पत्तियाँ हैं ये यहाँ पर आकर के टच हो जाएगी। जब यहाँ पर आकर के टच हो जाएगी तो जो यहाँ पे फेज आपने दिया था वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर मिलने लगे, ठीक है। तो यानी कि हम कॉन्ट्रैक्टर किस लिए यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हमारा एक ऑटोमेटिक स्विच होता है जिसको हम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ऑपरेट कराते हैं, ठीक है भाई। तो यही चीज़ हम POS के अंदर भी करते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्टर हमारा इस तरीके से खुला हुआ रहता है, ठीक है। अब जब सप्लाई हम देते हैं इसमें, देखो इसके नीचे चार पत्तियाँ निकली रहती हैं इस तरीके से, ठीक है। चौथा पॉइंट पहले बताते हैं, पहले वाले से जुड़ा होता है, ठीक है। इनको जब आप यहाँ पे जोड़ोगे इस तरीके से जुड़ जाती है भाई, ये दिखाई नहीं दे रही होगी आपको जुड़ी हुई, ये नीचे की साइड में, ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाती है भैया। तो ये वाला पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता भाई, ठीक है। हमने तो यहाँ पे RYT दी है, अब RYT देखो कहाँ तक पहुँचे हैं आपके, OLR से होते हुए यहाँ तक आकर रुक गए, ठीक है। OLR से होने के बाद में भाई यहाँ पे आकर के रुक गए, इस जगह पर आकर के रुक चुके हैं, सप्लाई यहाँ नहीं आई है। यहीं पे आप क्या करते हो, मोटर को कनेक्ट करते हो, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि भाई हम सिर्फ दो बटन इस्तेमाल करें, एक बंद करने के लिए, एक ऑन करने, सॉरी एक ऑन करने के लिए और एक ऑफ करने के लिए। हम इसको दबाया तो हमारा ये चीज़ जो है सप्लाई यहाँ पे जो रुकी हुई है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। हम ये तो चाहते हैं भाई, इसको जो बोलते कंट्रोल करना कि भाई मैं चाहता हूँ कि यार मेरा फैन रुका हुआ है, ये दबाऊंगा ये चल जाएगा, सही बात है। पंखा तो फिर भी लगा हुआ है तो वो ये भाई मोटर तो आपकी कनेक्ट है ही। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सप्लाई इस बटन को दबा करके यहाँ सप्लाई यहाँ पहुँचानी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर मैंने आपको बताया हमारा जो होता है भाई, एक स्विच होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू ऑपरेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू ऑपरेट होना है। तो इसके अंदर एक NVC कॉइल होगी भाई, की बात है भाई। भाई मैग्नेट जब आप बनाओगे, ये देखो अगर आप इसको देखो, मैं ये चाहता हूँ ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाए, तो ऑन कब होगा, जब आप इसकी NVC पर सप्लाई दोगे। यानी कि हमारे लिए मेन काम क्या है, मेन काम हमारा सिर्फ ये है कि भाई जो NVC है इसको सप्लाई मिलनी चाहिए, बाकी काम तो ये अपने आप कर देगा। तो हम वही क्या करते हैं भाई, देखो हमने क्या किया, एक फेज उठाया, डायरेक्ट इसको दे दिया, अब एक ही फेज को गया भाई, फैन में क्या होता है फेज गया है, वही चीज़ अंदर कर दी भैया, फेज दे दिया। अब मुझे दूसरा फेज भी देना है इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, उसको करना है मुझे अपनी मर्जी से कंट्रोल, कि भैया बटन दबाया पंखा चल गया, बटन दबा दे तो बंद हो गया। तो उसके लिए मुझे दो बटन चाहिए, हम यहाँ पे एक बटन यूज़ नहीं कर सकते। हमने क्या किया, एक NC बटन यूज़ कर लिया और एक NVC, इसको आप कनेक्ट, इसका मतलब होता है कि कनेक्शन जुड़ा हुआ है, NC उसको NC बोलते हैं भाई, नेचर से NC सर्किट जो है क्लोज रहता है, यानी कि सप्लाई इधर होगी तो इधर मिल जाएगी आपकी। अब आपको मशीन बंद करनी है, आप इसको दबा दो, मशीन बंद हो जाएगी आप, ठीक है। इसको दबाओगे तो मशीन आपकी चलनी चाहिए, ठीक है। तो दो स्विच यूज़ किया हमने, केवल भाई फैन में तो सिर्फ एक करते हैं, इसमें हमने दो स्विच यूज़ किए हैं, एक इसलिए किया है, एक तो इसको ऑन करने के लिए और एक ऑफ करने के लिए। ऑन करने के लिए कौन सा किया है, NO, ठीक है, और ऑफ करने के लिए कौन सा किया है, NC। देखो अभी हमने सप्लाई यहाँ पे दी, मान लो यहाँ पे मैंने RYT, वो RYT OLR से होते हुए यहाँ पे मिल जाएगा इस जगह, ठीक है, पर इधर नहीं आएंगे, ठीक है, इधर नहीं आएंगे। हम चाहते हैं कि भाई हम इस तरीके से कुछ कंट्रोल सर्किट बनाए कि जिससे हमें तो सिर्फ बटन लगाना पड़े, ठीक है, हमें तो सिर्फ बटन लगाना पड़े, हमारी मशीन जो है वो चल जाए, ठीक है। तो वही हम काम क्या करते हैं इसमें भाई, पत्तियाँ जोड़ रखी है, कोई दिक्कत नहीं, फेज आपको यहाँ पे आकर रुक गए। अब हम एक प्लंजर इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का होता है, इसकी चार पत्तियाँ चल गई, बड़ी
होती है अगर किसी पैरों को भी छोटी बना दी आपने, ठीक है, ये बता दें कि लेग में छोटी पत्तियाँ लगा रखी होंगी, ये दिखाई भी देती होंगी आपको भी सभी को, ये रहे भी चार पत्तियाँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को सप्लाई देंगे, जो कोयल यूज किया उसको सप्लाई देंगे, ये मैग्नेट बनेगी, मैग्नेट बनने से क्या होगा, वही पूरा प्लंजर लोहे का बना रहता है, तो इसको फिर खींचती है, जब खींचेगी तो जो छोटी छोटी पत्तियाँ आएगी इन पर आकर हो जाती है, ठीक है, तो इन पर आकर के हो जाएगी, तो क्या होगा, जो सप्लाई यहाँ पर रुकी हुई थी आपकी वो आपको यहाँ पर मिलने लगेगी, ठीक है। तो मेन फोकस क्या होना चाहिए हमारा, कि हम ऐसा अरेंजमेंट करें कि भाई हम सिर्फ एक बटन से इसको ऑन भी कर सके और दूसरे बटन से इसको ऑफ भी कर सके, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, दूसरा फेज उठाओगे किस एनसी में डालोगे, ठीक है, एनसी से होने के बाद एमओ भी लगा रहे क्योंकि बल्ब भी तो फट गया चालू भी फट गया, तो वही है इसको यहाँ से शॉर्ट करोगे। भाई देखो जब हम इसका डायग्राम वैसे बनाते तो कैसे बनाते कि रेड फेज उठाया, ये मैंने लगा दिया ग्रीन बटन, सॉरी रेड बटन, रेड बटन के दो टर्मिनल होंगे, पहले वाला यहाँ पे दूसरे वाला यहाँ पे, एनसी नेचर से होता है, ठीक है, तो यानी कि सप्लाई यहाँ से इसकी आपकी आगे बढ़ती है। अब आप आगे सवाल करोगे ग्रीन कलर का बटन, क्योंकि ये आपकी मोटर को स्टार्ट करेगा, ठीक है, वो वही अभी तक हमने किया है कि भाई ये रेड बटन लगा दिया, ये ग्रीन बटन लगा दिया, अब यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वो कहाँ जाएगी। अच्छा एक चीज़ सुनो, हमने आर वाई नहीं दिया, यहाँ पर चार है, यहाँ पर चार है, ये जो तीन स्टार्टिंग है, एक दो तीन, ये तो होते हैं आपके मेन कॉन्टैक्टर के जो टर्मिनल होते हैं वो, ठीक है। अब तो ये क्या होता है, ये आपका होता है ऑक्सिलरी, देखो एक बात सुनो, आपने क्या किया, ग्रीन बटन को प्रेस किया, चौथे वाला जो जुड़ा होता है भाई एनो बटन के दूसरे टर्मिनल से, या पहला दूसरा दूसरे वाले से डायरेक्ट जुड़ा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको दबाया, सप्लाई आपकी यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद सप्लाई आपकी यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ पे आकर रुक जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आकर के सप्लाई आपकी रुक जाएगी भाई इस जगह पे आकर, ठीक। अब जब यहाँ से सप्लाई आ गई आपको चलाना क्या है, देखो फेज आप दूसरे वाला घुमा रहे तो दोगे कहाँ पे भाई, एनबीसी कोयल के अंदर, ठीक है भाई, यहाँ से उठाया एनबीसी कोयल के अंदर आ गया, ठीक है भाई, एनबीसी कोयल के अंदर चला गया। अब हमारे सामने समस्या सबसे बड़ी क्या आई, यार दबाया तो ऑन हो गया, जैसे छोड़ दिया बंद हो गया, ये तो दिक्कत हो गई, हमें तो परमानेंट चलानी है भाई। तो हमने क्या किया, ये जो टर्मिनल है हमारा ये वाला चौथे वाला, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, क्यों कनेक्ट किया भाई, क्या वजह थी कनेक्ट करने की, कुछ सोच समझ के तो करा होगा। देखो वजह हमारी सबसे बड़ी ये थी कि यहाँ पे हमें फेज कंटिन्यू नहीं मिल रहा था, जब हम इसको दबा रहे थे तो सिर्फ उसी कंडीशन में फेज मिल रहा था, पर जैसे छोड़ देते थे फेज बंद, हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो गया, दिक्कत हमारे सामने जो कि मशीन थोड़ी देर के लिए थोड़ी चलानी है भाई, तो परमानेंट चला के रखनी है। तो भाई एक बात सुनो, यहाँ से आपने वायर उठाई ले जा करके कहाँ पर जोड़ी, इस वाले पॉइंट पर भाई ले जा करके आपने जोड़ी, इस वाले पॉइंट पर यहाँ से वायर उठाई और यहाँ पे जोड़ी, क्यों जोड़ी, वजह तो होगी कुछ, वजह ये थी यहाँ तक मेरी कंटिन्यू डायरेक्ट सप्लाई आ रही थी, यहाँ से भाई मेरी डायरेक्ट सप्लाई आ रही थी, अगर हाथ लगाओगे तो या लैंप लगाओगे तो चलेगा वो, ठीक है। मुझे समस्या बड़ी समस्या मेरी आ रही थी कि इस कोयल को जो है कंटिन्यू सप्लाई नहीं मिल पा रही। अब आपको मैंने क्या बताया था जी, कि यार हमारी जो सप्लाई होगी वो कितने हिस्से में आकर मिलेगी, ठीक है, तीन पे इसलिए दिखाया क्योंकि आर वाई की जो आर वाई की इधर का पोर्शन है वो वाला पोर्शन नहीं है, ठीक है, वो वाला पोर्शन नहीं है मेरा आर वाई का, तो इसके अंदर तो कोई सप्लाई है ही नहीं तक, इसके अंदर कोई सप्लाई है बताओ भाई, नहीं है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मैंने एक वायर उठा करके कनेक्ट कर दी तो मेरी सप्लाई इतनी सी पत्ती में है केवल छोटी सी पत्ती में, पर जैसे ही ऑपरेट होगा तो क्या होगा, ये पत्ती इससे जुड़ेगी, सप्लाई आपकी यहाँ से पास होगी इधर जाएगी, इधर जाने के बाद यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आने के बाद वापस निकल करके यहाँ पे आएगी, यानी कि सिर्फ एक बार ऑन करना है इसको और फिर सप्लाई का रास्ता क्या होगा, बाहर से बाहर, पहले वाले से गए यहाँ पे, यहाँ से सप्लाई वापस गई इधर, इधर जाने के बाद आपके एनबीसी को ये आएगी परमानेंट।
परमानेंट, क्यों? क्योंकि आपकी मैग्नेट को परमानेंट सप्लाई मिल रही है, इस वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो होल्ड होता है, ठीक है, इस वजह से जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो होल्ड होता है, ठीक है। अब ये तो हमारा ड्यूअल, देखो हर चीज के पीछे वजह है, हमने वो मेरे पास क्यों लगाया, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्टर को परमानेंट होल्ड करना था, ठीक है, इस वजह से लगाया हमने कि हमारी सप्लाई जो है यहाँ पर डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं आ रही थी, तो कंटिन्यू लाने के लिए क्या किया आपने, एक रास्ता दे दिया कि भाई इधर से चले जाओ आप, ठीक है, सिर्फ आपको सिर्फ एक बार ऑन करना पड़ेगा, एक बार इस बटन को दबाओगे ये ऑन होगा, तो जो सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट घूम के यहाँ तक आपकी रुकी हुई थी वो यहाँ से इस वाली पंक्ति पर आएगी, इस वाली पंक्ति पर आने से भी डायरेक्ट सप्लाई आपकी इधर पास होती है, ठीक है भाई, इसलिए हमने इसको यूज किया है। यही चीज आप इसमें भी यूज करोगे। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो है भाई होल्ड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक NONC होता है एड एंड ब्लॉक, इसकी पहचान बता देंगे अभी बाद में आपको, मल्टीमीटर मैंने बना लिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो जो ये वाला है इसमें कुछ इस तरीके का है, एक ही है लंबा था, ठीक है भाई, यहाँ पे एक टर्मिनल दिया है, एक टर्मिनल यहाँ पे दिया है, एक टर्मिनल यहाँ पे दिया है और एक टर्मिनल भाई यहाँ पे दिया है। तो मेरे को तो याद है भाई, आप भी देखोगे इस चीज़ों की अंदर अंदर वाले जो है NC और बाहर बाहर वाले हैं भाई आपके, ठीक है। पहचान किस तरीके से करोगे भाई, सीधा सीधा मल्टीमीटर लगाना बाहर बाहर वालों, सप्लाई आपको नहीं मिलनी चाहिए, पर कॉन्ट्रैक्टर आपका और होना चाहिए, कंडीशन है कॉन्ट्रैक्टर आपका और होना चाहिए, तो अगर आप बाहर बाहर वाले टर्मिनलों पर मल्टीमीटर को लगाते हैं तो आपको कोई डीप का साउंड नहीं सुनाई, उसी कंडीशन में यानी कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑफ ही है, आप अंदर अंदर वालों पर अगर मल्टीमीटर को लगाते हैं तो आपको डीप का साउंड सुनाई, यानी कि ये वाला जो मेरा आई है NC है और ये वाले बाहर बाहर वाले मेरे NO है। साथ में आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट भी करना है, कैसे ऑपरेट करोगे, सिर्फ हाथों से कर देना ऐसे, ठीक है, हाथों से कर देना भाई फिलहाल टेस्टिंग करने के लिए। अब इसकी वर्किंग देखना, जो ये NC था ये बाद में क्या बन जाएगा और जो NO था वो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें जो ये हमारा मैनुअल सॉरी वैसा ही बार बार वाले NO, ठीक है। अच्छा ये बताओ, समझ में आया कि हम उसको बाईपास क्यों कर रहे थे, मतलब हम एक ऑक्सिलरी पाथ के लिए वायर यूज कर रहे थे, ठीक है। चलो अब इसमें आते हैं भाई, देखो इसमें हमने थोड़ा सा चेंज क्या किया था कि यहाँ से ना कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट किया,